गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रॉम द सेम चैप्टर इज़ क्लाइमेट चेंज। इससे पहले हमने ग्लोबल वार्मिंग किया था, अब हम क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है क्लाइमेट में चेंजेस आना, मतलब कि टेम्परेचर में चेंजेस आना, और क्लाइमेट में ओवरऑल सब कुछ आ जाता है। सीज़न हमारे आ जाते हैं, रेनी सीज़न आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, विंटर है, समर है, ये सारी चीज़ें कि जब जो जैसा सीज़न है उस तरह का सीज़न अब नहीं आ रहा अपने टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे अगर हम बात करें कि पहले क्या होता था, अक्टूबर नवंबर में सर्दियां आ जाती थी, अब कई बार क्या होता है नवंबर के एंड तक भी हम स्वेटर नहीं पहनते हैं। तो ये क्या है? क्लाइमेट चेंज का मेन रीज़न है। तो सर्दियां अब कम हो गई हैं, गर्मियां ज़्यादा बढ़ गई हैं, या सर्दियां जब पड़ती हैं तो बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई हैं, बहुत तेज़ पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। गर्मी जब पड़ती है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, जो टेम्परेचर है हमारा वो 40-45 से भी इंक्रीज़ या 50 तक भी कई बार पहुंच जाता है। तो ये सब क्लाइमेट चेंज का मेन रीज़न है, ठीक है। तो ये क्या है कि जो क्लाइमेट है वो धीरे धीरे चेंज आ रहे हैं, उसमें उसके मतलब मेन चेंज ये कि उसमें इंक्रीज़ ही हो रहा है जो भी हो रहा है टेम्परेचर, ठीक है। अब इसका मेन रीज़न क्या है क्लाइमेट चेंज का? आपने देखा होगा डिफरेंट गैसेस जो है हमारे एनवायरनमेंट में आ रहा है इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ की वजह से, ठीक है। केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, हार्मफुल गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में आ रही हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और क्लाइमेट में चेंजेस आ रही हैं। आपने ये भी देखा होगा कि एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैसेस हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है, ये सारी गैसेस भी क्लाइमेट चेंज में हेल्प करती हैं, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करती हैं। और ये सब के सब मैक्सिमम हमारे इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, ऑटोमोबाइल, ठीक है, हमारे जो व्हीकल्स हैं या कोल पेट्रोल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं बड़ी बड़ी, वहाँ से हो रही हैं। अब क्लाइमेट चेंज का मेन इफ़ेक्ट क्या है? इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज ने क्या इफ़ेक्ट किया या इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है? सबसे पहले इसने इफ़ेक्ट क्या किया जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन पे इफ़ेक्ट किया, लाइक प्लांट्स और एनिमल। उनको उन पर कैसे इफ़ेक्ट किया कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो प्लांट्स और एनिमल जो है सर्वाइव करने में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, तो वो मरना शुरू हो गए या एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो गए, शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम आई। उसके बाद जो क्लाइमेट बैलेंस है उसमें डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो गई, डिस्टर्ब होना शुरू हो गया क्लाइमेट बैलेंस। उसके बाद जो वेदर है, वेदर जो है हमारी कंट्री में वो चेंज होना शुरू हो गया, हमें पता ही नहीं चल रहा। कभी कभी एकदम से बारिश होनी शुरू हो जाती है, या कभी एकदम से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, या एकदम से मौसम में ऐसी चेंजेस आते हैं कि वो बिन कई बार कहते हैं ना बिन मौसम बरसात, या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, ठीक है। आपने देखा होगा जो नॉर्थ इंडिया वाला एरिया है वहाँ पर तो अब टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। जो हमारा सेंट्रल इंडिया वाला एरिया है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सब जगह में टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, जहाँ सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल है, गर्मियों में विदाउट एसी रहना मुश्किल है, ठीक है। चेंज इन द रेनी सीज़न, रेनी सीज़न में चेंजेस आ गई हैं, मानसून जो है उसमें चेंजेस आ गई है, बारिश होती है तो कई बार इतनी ज़्यादा होती है कि बाढ़ जैसी नौबत आ जाती है, या कई बार होती ही नहीं है तो सूखे की नौबत आनी शुरू हो जाती है, इरेगुलर होनी शुरू होगी, कोई टाइम नहीं पता। और साथ ही साथ ऐसा होता है कि मान लो कि हम कहते हैं कि बरसात का मौसम जो है हमारा जुलाई से शुरू हो जाता है, तो कई बार क्या होता है जुलाई में हो नहीं रही, अगस्त सितंबर अक्टूबर में जाकर हो रही, इस तरह की चेंजेस आना, ठीक है। उसके बाद बहुत सी कंट्रीज़ जो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, ठीक है, जिससे कि बहुत प्रॉब्लम आ रही, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को भी हार्म हो रहा है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी हार्म हो रहा है, ठीक है। रेनफॉल का सेम वही बात कि बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर रेनफॉल की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, या तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है या बिल्कुल नहीं हो रही है। ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये आपको मैंने पहले भी बता दिया था पिछले पॉइंट में। और जो कोल्ड है, ठंड है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है कुछ पार्ट्स में, कुछ एरिया में कंट्री पे, ठीक है। तो ये क्लाइमेट चेंज है, मतलब कि जिसमें ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, मौसम, ठीक है, मंथली जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया होता है कि इस महीने में ठंड होती है, इस महीने में गर्मी होती है, तो अब वो वैसा कम हो रहा है। आपने देखा होगा कि
गर्मियां जो है अब मार्च अप्रैल में बहुत तेज़ होनी शुरू हो जाती है एकदम से, ठीक है। फिर सर्दियां जो जब आ रही हैं तो दिसंबर में स्टार्ट हो रही हैं, जिसको हम कहते हैं कि हाँ अब सर्दी है। तो इस तरह पहले क्या होता था, अक्टूबर में ही ठंड शुरू हो जाती थी बहुत साल पहले, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले तेज़ ठंड हमारी नवंबर में स्टार्ट हो जाती थी। तो ये 1-1 मंथ का शिफ्टिंग हो गया है, बरसात बिल्कुल कम हो गई है, फिर जब होती है तो इतनी ज़्यादा होती है, बाढ़ ले आती है। तो ये क्लाइमेट चेंज है बेटा। ये टॉपिक आपका यहीं ख़त्म होता है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।